राधे 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 राधे। तो अभी हम निकल रहे हैं गोवर्धन के लिए और अभी देखिए 15 लोग हम साथ में हैं और सभी लोग जा रहे हैं और बहुत लोग बिना हॉस्टल का वो लगा के आए हैं और टेंडिंग किए हैं। तो कहा जाता है अगर आप मथुरा में हैं या मथुरा घूमने आए हैं और गोवर्धन में आकर परिक्रमा नहीं किए तो आप काफ़ी कुछ मिस किए। तो दोस्तों आज हम लोग गोवर्धन आए हैं परिक्रमा करने और हमारे साथ हमारे दोस्त हैं और हम लोग टोटल 15 लोग हैं और हम लोग आज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगे। दोस्तों जो हमें परिक्रमा करनी है टोटल 21 किलोमीटर की है और हम 15 लोग हैं और अभी करीब करीब रात के 10 बजने वाले हैं और अभी हम शुरू कर रहे हैं परिक्रमा और देखते हैं कब ख़त्म होती है और हम लोग रास्ते में आराम से जाएंगे, खाते पीते मस्त आराम करते हुए जाएंगे और देखते हैं। बढ़िया माहौल है और काफ़ी हम लोग को आने में अच्छा रहा, काफ़ी इसमें गर्मी भी नहीं है और ठंडा माहौल भी है तो पूरा ओवरऑल हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है और अब देखते हैं आगे चलते हैं। दोस्तों यह देखिए बस स्टेशन गोवर्धन मथुरा है, अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप पहले आइएगा रेलवे स्टेशन मथुरा और वहाँ से आप आ जाइए गोवर्धन चौराहा और फिर वहाँ से आपको सीधे वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, आपको मैजिक ऑटो रिक्शा या आपको बस मिल जाएगा और आप यहाँ पर आ सकते हैं। आगे से हमारी जो परिक्रमा है वो शुरू हो रही है और अभी आपको हमने दिखा भी दिया है और यहाँ पर पूरी रात भर सारी दुकानें खुली रहती हैं तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो खाने पीने की और सामान रखने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों आप जब भी यहाँ पर आइए, जैसे अभी थोड़ा मौसम गर्मी का है तो आप लोग इसे रात थोड़ी ठंड लगती है तो वैसे कपड़े भी लेके आइए ताकि आपको दिक्कत ना हो और बाकी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं। कोरोना है, कोरोना चल रहा है तो मास्क जरूर लगा लिया तो काफ़ी रहती है अपनी प्रोटेक्शन और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन की। परिक्रमा से पहले हम लोग थोड़ा सा पेड़ पूजा करेंगे और तभी हम चल रहे हैं खाने कुछ खाएंगे और देखिए बढ़िया होटल है, अच्छी खासी लाइटिंग की गई है, यहाँ पर खाएंगे और फिर आगे चलते हैं परिक्रमा के लिए। अभी आप देख रहे हैं ये गिरिराज मंदिर है और यहाँ पर अभी हम लोग परिक्रमा करने से पहले यहाँ पर दर्शन करेंगे और हम लोग दर्शन करने के बाद यहाँ से निकलेंगे परिक्रमा के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये मार्ग है, यहाँ से हमें जाना है परिक्रमा करने के लिए, आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दर्शन करने। तो देखिए यहाँ पर लोग बाहर से ही अपना दर्शन कर ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा है यहाँ से शुरू हो रही है और देखिए हमारे सारे मित्रगण लोग शुरुआत कर रहे हैं परिक्रमा की और हम भी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों अभी देखिए हम लोग परिक्रमा स्टार्ट कर दिए हैं और आमतौर पर परिक्रमा तो पूरे दिन भर होती है बट रात में लोग ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सही रहता है, गर्मी नहीं रहती है। दोस्तों अभी 1 किलोमीटर पूरा हो चुका है और देखिए साथ मारे हैं चौरसिया भाई और काफी लोग आगे निकल चुके हैं, हम लोग आराम चल रहे हैं और बड़ा ही प्रेजेंट माहौल है और देखिए लोग कीर्तन करते हुए अपना आगे निकल रहे हैं और हमें एक होता है बढ़िया अच्छी वाइब्स आ रही हैं। अभी हम लोग को प्यास भी लग गई थी तो हम लोग को पानी पी रहे हैं, भक्ति वाली वाइब्स आ रही है पूरी यहाँ।
मथुरा में हो तो भक्ति यार, भक्ति भक्ति शक्ति है। चलिए आपको हम लोग हर किलोमीटर का अपडेट देते रहेंगे और पूरे ब्लॉग को आप अंत तक देखिएगा, आप एक वर्चुअल परिक्रमा का आनंद लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो 2 किलोमीटर हो चुका है, लगातार हमारी परिक्रमा जारी है। बहुत दूर है। हाँ, तो अभी हम लोग आ चुके हैं 3 किलोमीटर आगे और देखते हैं सफर चल रहा है धीरे 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 धीरे, लोगों का एनर्जी डाउन हो रहा है। अभी अकलांग कह रहे तो 2.5 हुआ होगा, अभी एक ज्ञान बांटा जा रहा है। अभी हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको यहाँ पर हर जगह हर स्थानों पे खाने के लिए पीने के लिए जूस और बहुत कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो आप बीच बीच में एनर्जी लेते रहिएगा, चाप के मजा आएगा। और काफी लोग ई रिक्शा से परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कमजोर हैं या आपके आपके साथ में बुजुर्ग लोग हैं तो आप कर सकते हैं। और बाकी बहुत ही शानदार माहौल है, ठंडा माहौल है और देखिए सभी लोग बेहतरीन तरीके से इस नए माहौल का आनंद ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी अपन लोग राजस्थान स्टेट में आ गए हैं। यहाँ का जो पूरा परिक्रमा का पाथ है उसका कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में है और कुछ पार्ट राजस्थान में है। तो अभी हम लोग राजस्थान में ही है और देखिए पूरा यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें दिख रही होंगी। आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, रास्ते में बैठ सकते हैं और जो खाना पीना है खा पी सकते हैं और आराम कर सकते हैं। यह पूरी परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, तो आप लोग आराम से पार्ट पार्ट वाइज करिएगा और आप बेहतरीन तरीके से इस पूरे पाथ को कम्प्लीट कर लेंगे। और हम लोग अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, हम लोग का अराउंड 4 किलोमीटर हो गया है, अभी 70 किलोमीटर बचा हुआ है, तो आगे चल रहे हैं। और ये देखिए मिथिलेश भाई, बताइए कैसा आपको लग रहा है? बहुत मजा आ रही है चाप के। और यहाँ हमारे दोस्त लोग यहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे हैं। असल में हम सोच रहे थे चाय पी, कुछ हमारे दोस्त लोग आगे चले गए हैं, ठीक है ना, तो मुझसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर। अब देखिए रिफ्रेश होने के लिए दोनों सही है, जिसका माहौल ठंडा पिए तो जूस पिए और हम गर्म पियेंगे चाय, ताकि मेरा गला बढ़िया रहे, बोल भी रहे हैं तो काफी सही रहे। और देखिए भारती भाई हमें देख रहे थे, हेलो कर दीजिए, हेलो हेलो। दोस्तों बेहतरीन मजे हैं इसमें बैठने में, देखिए बढ़िया फैन चल रहा है बगल में और ऐसे आराम करने का जो भाई आनंद है यार, मतलब बड़ा। देखिए हमारा गन्ने का जूस भी आ गया है यहाँ भैया, बांध दीजिएगा मैं ये पीऊंगा। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा गन्ने का जूस भी आ गया है, मौर्य जी चाय पीने के मूड में है, थोड़ा सा गला खराब ना हो इस तरह से प्रिकॉशन बरत रहे हैं, नहीं कर सकते हमारा भैया मन नहीं मानेगा, हमें गला अपना तर करना है। दोस्तों आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर वापस चल रहे हैं और इतना हो गया था ऑलमोस्ट, और आगे चल रहे हैं। अभी जो हमारा ग्रुप था वो 2 पार्ट में बढ़ गया है, 1 पार्ट 1 किलोमीटर आगे है और हम लोग 1 किलोमीटर पीछे हैं, तो सब लोग भी उसी टाइम ब्रेक ले रहे हैं, अपना एंजॉय करते हुए चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों जो गोवर्धन पर्वत है वो काफी ऊंचा नहीं है, मान्यताओं से प्राप्त होता है कि काफी लोग बोलते हैं कि जो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई है वो लगातार समय के साथ घट रही है और जो टुकड़े पत्थर के हैं वह टूट कर नीचे आ रहे हैं। और बाकी दोस्तों इसकी पूरी कहानी क्या है जो परिक्रमा करते हैं हम आपको आगे बताएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको एक वर्चुअल परिक्रमा का आनंद मिलेगा। दोस्तों देखिए अभी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो देखिए हमारे दोस्त लोग लाइट जलाए हैं इस वीडियो को शूट करने के लिए। अभी जब तक यूपी था तो वहाँ तक पूरी लाइटिंग थी चारों तरफ, और यहाँ पर राजस्थान में लाइटिंग नहीं है काफ़ी दूर दूर तक। यह हमारा कोई मतलब एक होता है पॉलिटिकल व्यू नहीं है,
ऐसा हमें देखने को वाकई में मिला है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बरसाना में दिखाया था कि वहाँ पर लोग पत्थरों से घर बनाते हैं, आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और देखिए पूरा यहाँ पर चारों तरफ देखिए लोग पत्थरों से घर बना रहे हैं। इसकी कुछ देखिए वहाँ आपको देखिए लोग बना रहे हैं, आप देख सकते हैं मान्यताएं हैं इसकी बनाने की। और यूपी बोर्ड से मानता है किसी ये देखिए बहुत सारे घर बने हुए हैं, काफी इलाकों में घर बनाए। हाँ हाँ आप क्या बोल रहे, केवल शादीशुदा लोग ही घर बनाए, बिल्कुल नहीं तो जिंदगी भर रणवीर रह जाओगे। एनीवे आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया रहा कि अराउंड 1 किलोमीटर बाद थोड़ा सा लाइटिंग व्यवस्था है राजस्थान में, और बढ़िया है। अराउंड हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं, अब लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है। और अब हम लोग जो हमारा एक आगे ग्रुप है वो हमसे थोड़ा सा आगे है, और लगातार हम लोग चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का थकावट है। और देखिए विजय भाई लोग गाना वाना सुनते हुए अपना चल रहे हैं, पैर थोड़ा थकने लगे हैं ज़्यादा, वो तो होता है कि इतना हम लोग का हैबिट नहीं है, बिल्कुल ही बात है, बट ठीक है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हम लोग को होता जा रहा है। दोस्तों अभी जो क्या हुआ, परिक्रमा जो बड़ी परिक्रमा है वो अराउंड 12 किलोमीटर की है, वो हम लोग की समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड ब्रेक ले रहे हैं, और हमारे सारे दोस्त यहाँ पर हैं, देखिए सभी लोग यहाँ पर हैं। बेटे मौज कर दी बेटे, तन में ऊर्जा लाइए, बोलिए राधे राधे। अभी यहाँ पर हम लोग सेकंड ब्रेक लिए हैं, यहाँ पर चाय वाय पियेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, यहाँ पे आते ही यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटी परिक्रमा जो कि 9 किलोमीटर की है। और देखिए सब पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, एलेक्स भाई हमारे हैं, दीपक भाई हैं, ये लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं, और सभी लोग बैठे हुए हैं। बड़ी परिक्रमा करके भैया ऐसे ही थकान हो गई है, बट जो अंदर भरा पड़ा है ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा कुछ तो दिक्कत नहीं है, परिक्रमा तो खत्म करके ही दोस्तों। अभी कुल्हड़ की चाय एक और जल्दी खारी फेन का आनंद लिया जा रहा है, यार बहुत गर्म चाय है भैया। देखिए भारती भाई हैं, केडी भाई हैं, चौहान भाई हैं, सौरभ भाई हैं, सूरज भाई, और देखिए सब सारे भाई हैं, सभी लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। चाय के साथ टोस्टर भी है, लाओ लाओ लाओ। अरे भाई खिला दो खिला दो खिला दो, गिर गया, खिला दो नीचे वाला, खिला दो खिला दो, गिर गया। दोस्तों अराउंड आधा घंटे के ब्रेक के बाद हम यहां से छोटी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 9 किलोमीटर की है, और अभी रात के बज रहे हैं करीब 2 बज रहे हैं, तो अराउंड 2.25 घंटे में पूरा हो जाएगा परिक्रमा ये वाला भी। ये राधे 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 एक अच्छा साथ में राधे 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 और आगे जाओ राधे 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 हमारो बन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो बन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो बन राधा पैर चढ़ गया भाई।
पूरी टीम आ गई पीछे।